नमस्कार, ई न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा खबरों के साथ। राजधानी भोपाल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में जंबूरी मैदान भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान देश के प्रधानमंत्री द्वारा आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई व लोगों का अभिवादन किया गया। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल पर पीएम द्वारा उनकी बनाई गई वस्तुओं एवं उत्पादनों का अवलोकन भी किया गया। प्रधानमंत्री का बैगा द्वारा माला और शाला से अभिनंदन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को तीर और धनुष देकर अभिनंदन किया। आदिवासी नेता ओम प्रकाश धुर्वे, बिसाहूलाल साहू आदि ने अभिनंदन किया। मंच पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल समेत मध्य प्रदेश के सांसद व विधायकगण मौजूद रहे। वहीं सीधी जिले से भी 22 बसों में 1001 की संख्या में आदिवासी भोपाल पहुंचे थे। सीधी जिले में एक कलयुगी पिता ने अपने पुत्र को कल जिला मुख्यालय में मौत के घाट उतार दिया। आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनांजल बस स्टैंड में मोची का काम करने वाले पिता पुत्र आपस में भिड़ गए और पिता द्वारा धारदार हथियार रामपी से पुत्र पर कई वार कर दिए गए, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बीच बचाव करने आए दूसरे पुत्र को भी पिता ने घायल कर दिया। पूरे घटनाक्रम को लेकर एसपी पंकज कुमावत ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। संजय टाइगर रिजर्व बफर जोन परिक्षेत्र ब्योहारी अंतर्गत बीट गढ़डूहा में वन चौकी वन रक्षक आवाज में अवैध आरा से लकड़ी की चुराई हो रही थी, जिस पर ग्रामीणों ने मौके पर वन रक्षकों को पकड़ व विरोध जताते हुए निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं वन रक्षक द्वारा सफाई दी गई कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर लकड़ी चुराई का कार्य हो रहा था। विंध्य क्षेत्र के अनूपपुर जिले के अंतिम छोर पर कोयलांचल क्षेत्र में अभी भी हाथियों के झुंड की दहशत बनी हुई है। बीते दिन शाम को आमाडंड ओपन कास्ट खुली खदान परियोजना के पास मनेंद्रगढ़ प्रेंडा रोड को क्रॉस करते हुए हाथियों के झुंड को देखा गया था। वहीं आज सुबह फिर हाथियों का दल उसी रोड को फिर से क्रॉस करते हुए देखा गया, जिसके कारण लोगों में डर का माहौल है। फिलहाल हाथियों द्वारा किसी प्रकार की क्षति नहीं की गई है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।